नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। पहली खबर लखनऊ से है, जहां आयकर विभाग में तैनात आईटी के अपर आयुक्त अमित निगम के खिलाफ सीबीआई गाजियाबाद ने आय से 86% अधिक संपत्ति होने का मुकदमा दर्ज किया है। जांच में उनके पास करीब 7.5 करोड़ रुपए की काली कमाई मिली है। इसमें कोठी, फ्लैट और प्लांट शामिल किए गए हैं, जो दिल्ली और लखनऊ में स्थित है। सीबीआई ने इस मामले में सारे सबूत स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिए हैं। खबर संभल से है, जहां राशन डीलर के खिलाफ शिकायती दर्ज करना ग्रामीण को महंगा पड़ गया। बता दें कि दबंग डीलर और उसके परिजनों पर ग्रामीण को घेर कर पीटने का आरोप लगा है। वहीं गंभीर हालत में ग्रामीण को पीटकर दबंग फरार हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। ये पूरा मामला असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम कमालपुर का बताया जा रहा है। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां फूड प्वाइजनिंग से करीब 1 दर्जन लोग बीमार हो गए हैं। बता दें कि घर में कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें खाना खाने से लोग बीमार हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस से सभी मरीजों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला थाना जहानगंज क्षेत्र के मोहदीपुर ग्राम का बताया जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के मामले में घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। घोटाले को जन्म देने वाला निर्णय लेने वाले एसओसी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी पर आखिरकार गाज गिर ही गई। डीएम की ओर से कराई गई जाँच में दोषी पाए जाने पर निलंबन की स्तुति और चकबंदी आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। खबर कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज बाढ़ प्रभावित महादेवा गांव का दौरा किया। इस गांव में बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब डीएम ने महादेवा गांव को दूसरी जगह बसाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं डीएम ने लेखपाल को आदेश दिया है कि बाढ़ से नुकसान हुई फसलों की रिपोर्ट 5 दिनों के भीतर डीएम कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही डीएम ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खबर संभल से है, जहां जन्मदिन पार्टी की दावत खाकर घर लौट रहे युवकों की बाइक सड़क पर सांड से टकरा गई, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक सवार की हालत गंभीर हो गई है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सड़कों पर जिला प्रशासन की छत्र छाया में जर्जर बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। बता दें कि जिला बुलंदशहर की सड़कों पर यूपी परिवहन निगम बसें दौड़ रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग सतर्क नहीं हो रहा है। वहीं बस चालक बड़ी आसानी से प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर ये काम कर रहे हैं। अगली खबर चमोली से है, जहां थराली विधानसभा के नारायण बगड़ से है, जहां एक ट्रक वाहन में 306 टन अवैध लीसे के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस घटना में प्रयोग किए गए वाहन को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। बता दें कि 12 लाख रुपए अवैध लीसे की कीमत बताई जा रही है। वन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक चमोली ने पुलिस टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। खबर फरुखाबाद से है, जहाँ अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक 5 वर्षीय मासूम को इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल की बदहाल हालत किसी से छिपी नहीं है। अधिकारियों से लेकर के मंत्रियों के निरीक्षण के बाद भी जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी अपने लचर और लापरवाह रवैये में सुधार लाने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को अपने मासूम बच्चों और परिजनों को खोकर उठाना पड़ रहा है। खबर संभल से है, जहां नगर निकाय चुनाव शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने मंडी समिति पहुंच करके स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लिया, तो वहीं धान खरीद केंद्रों का मुआयना कर व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। समय रहते तैयारियों को पूरा करने के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के चलते संभल जिले के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संभल और बबराला मंडी समिति का निरीक्षण किया। ये आने वाले नगर निकाय चुनाव के संबंध में, ये संभल मंडी में हमारे 2 नगर निकायों का, संभल का और सिरसी का, स्ट्रांग रूम और पार्टी रवानगी स्थल बनता है, तो उन दोनों स्थलों को देखा गया है। वहाँ पर समय रहते ही सारी व्यवस्थाएं पूरी करवाने के लिए यथासंभव जो आवश्यकताएं हैं, मरम्मत है, सफाई है, वो करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां दुबग्गा थाना क्षेत्र कानपुर रोड बाईपास पर गिरी न्यू अपार्टमेंट में चोरी का मामला सामने आया है, जहां मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद है। खबर लखनऊ से है, जहां आशियाना के सेक्टर M1 अंसल कॉलोनी की छत गिरने से 4 मासूम बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें 2 बच्चों के सीरियस होने पर नजदीकी उपचार के लिए लोक बंधु अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा आला अधिकारी भी मौजूद हैं।
वहीं कॉलोनी वालों की मदद से दो बच्चों को बचाया गया है। करीब 1:10 में 112 द्वारा ये सूचना दी गई कि रिक्शा कॉलोनी है जो कि रमाबाई चौकी अंतर्गत थाना आशियाना में पड़ती है, वहां पे एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई है जिसमें कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। इस सूचना को पाते ही चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी मौके पर गए और उसके बाद एसीपी एडीसीपी और मैं खुद मौके पर पहुंची हूं। तो यहां सूचना मिली है कि चार लोग हैं जो इसके नीचे दब गए थे, जिनका नाम है गोकुल रावत जिनकी उम्र 13 वर्ष है, अनिल उम्र 10 वर्ष, मनी उम्र 11 वर्ष और शुभम उम्र 22 वर्ष। ये चारों उसमें दब गए थे। उन चारों को वहां से निकाल के लोकबंधु अस्पताल भिजवा दिया गया है, जिसमें से अनिल की जो अवस्था है वो थोड़ा सा सीरियस हो रही है तो उनको ट्रॉमा रिफर कर दिया गया है। बाकी यहां पे शांति व्यवस्था ठीक है और मलबे को साफ करवाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है जहां अधिकार सेना ने लखनऊ लगाए गए एक पोस्टर की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अधिकार सेना के संयोजक अमिताभ ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि मिशन निरामया के शुभारंभ विषयक से ये पोस्टर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा लगाया गया है। अधिकार सेना ने कहा है कि एक निजी संस्था द्वारा लगाया गया पोस्टर बिना नगर निगम, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की अनुमति के ही लगाया गया है। साथ ही ये नगर निगम को पोस्टर बैनर आदि के लिए देय शुल्क का भी उल्लंघन करता है। अधिकार सेना ने इस पोस्टर की वैधता की जांच कराते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से तमाम स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और नगर निकायों द्वारा जानबूझकर उनकी अनदेखी की जा रही है। आज ही स्वयं लोकायुक्त उत्तर प्रदेश आवास के सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसके संबंध में अधिकार सेना ने शिकायत करते हुए उस पोस्टर की सत्यता की जांच कराने और यदि वह गलत पाया जाता है तो उसके संबंध में वसूली सहित अन्य कानूनी कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।